नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फिर फ्लाइट के बारे में। आज के तीन चार टॉपिक मैं फ्लाइट से रिलेटेड ही बनाने जा रहा हूँ और बना रहा हूँ, और ये सब हकीकत और धरातल की वीडियो हैं। ये कोई फेंकू वो आसमान में उड़ने वाले नहीं है, ये जमीन पे रेंगने वाले या जमीन पे चलने वाली बातें कर रहा हूँ। आपके नेता कहाँ हैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपके नेताजी कहाँ हैं जिनके आप गुणगान गाते हो, जिनके लिए दूसरों को फेसबुक पे गालियाँ देना, पड़ोसी से लड़ना है ना कि इसने अपने नेता को गाली दे दी, ये नेता भक्ति काम नहीं है ये आपके। आपके नेताजी आपको नहीं बुला रहे, विदेश में फंसे हो आप, 3 महीने से बैठे हो, बेरोजगार हो, आपके हालात मरने के कगार पे पहुंचे, कोई काम नहीं आएगा। नेता लोग सिर्फ वोट तक सीमित होते हैं मेरे भाई। किसी भी बंदे ने मुझे ये नहीं बोला सर हमारे नेताजी ने हमारी हेल्प करके इंडिया से बुला लिया। इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है नेताओं की वजह से नहीं, आपकी वजह से। नेता तो मैंने वीडियो बनाए, किसी भी नेता ने कोई हेल्प क्या जरूरत है यार आप जैसे लोगों की, उनको आप जैसे लोग बहुत हैं उनके लिए मेरे भाई। एक विधायक होता है, एक अपने स्तर की बात करें, एक विधायक होता है उसके पास कम से कम उसकी विधानसभा में 1 लाख से 2 लाख वोट होते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा आप 5,000 उनको वोट नहीं दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ता है। लोग जिंदगी की जंग हार जाते हैं, लोग विदेशों में मर जाते हैं लेकिन घर नहीं पहुंच पाते। बात करूंगा सऊदी अरबिया से, 178 जी हाँ साथियों 178 राजस्थानी लोग सऊदी अरबिया से पहुंचे हैं, जो सऊदी अरबिया से अपने आप में पहली फ्लाइट बता रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये है राजस्थान सरकार की मेहरबानी कि सऊदी अरबिया से अब तक राजस्थान में एक भी फ्लाइट ये बोल रहे हैं कि नहीं आई है। कितनी बड़ी और गंदी बात है, सोचने की बात है। टाइम कहाँ है सरकार को यार, आप जैसे लोगों की सुनने के लिए कहाँ टाइम है, वो अपने अपने काम में बिजी होते हैं। राजनीति के अपने लपटें लग रही हैं, उनको बुझाने का काम कर रहे हैं, उनको बचाने का, उनकी कुर्सी नहीं चली जाए उसके चक्कर में बिजी हैं। ये फ्लाइट आई है ना, ये किसी नेता की मेहरबानी से नहीं आई है, ये आप लोगों की, आपके साथी लोग हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करी। एक विदेश से यार, एक हम किसी रिश्तेदारी में जाते हैं ना, एक कार किराए लेके जाते हैं, उसको भी तैयारी करनी पड़ती है पहले से, भाई कितना पैसा लेगा, कब जाएगा, तो बुकिंग तो नहीं है, वहाँ हम इतने टाइम रुकेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारा देखना पड़ता है। विदेश से एक फ्लाइट लेके इंडिया आना कोई छोटी बात है क्या? हमारे राजस्थान की दुबई से फ्लाइट आई है, एक सऊदीया से, ये आज कल की फ्लाइट है, मैं बता दूँ आपको, स्पाइस जेट। जी हाँ साथियों, सऊदी अरब से जयपुर राजस्थान की सीधी फ्लाइट आज जयपुर पहुँच चुकी है, ये आज की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं। इतिहास की पहली प्लेन जो रियाद से डायरेक्ट जयपुर आई है, ये रियाद टीम के मेंबर की मेहनत का नतीजा है। जब प्लेन जयपुर पहुंचती है, रियाद टीम मेंबर के साबिर खां चूरू, आसिफ अली सुजानगढ़, शाहरुख खां अपने वतन वापसी की खुशी में तिरंगा फहराकर खुशी मनाई। इस प्लेन में 178 राजस्थानी भाई आ गए हैं। जी हाँ साथियों, धन्यवाद उन्होंने दिया है जो वहाँ पे एम्बेसी के थे, सुबोध अग्रवाल साहब, धन्यवाद गुलाम खां के, धन्यवाद रियाद टीम। ये रियाद टीम है जो विदेश में वहाँ सऊदीया में फंसे हैं, उनको निकाल के कैसे भी करके लेके इंडिया पहुँची है। जी हाँ साथियों, देखिए भाई, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा तो आप विदेश में फंसे हो सब देने के लिए तैयार हो, अब आप 30,000 पर 15,000 की जगह आप 30,000 देने के लिए तैयार हो, कोई लेके तो आए आपको, पैसा सब कुछ नहीं है भाई। आगे होके जो लोग काम करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, और वो नेता नहीं करते। आम आप जैसे भाई है ना, जो वहाँ मजदूरी, वो खुद भी मजदूरी कर रहे हैं वहाँ पे, वो कोई वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट में कोई गवर्नर नहीं है, वो भी खुद मजदूरी करने के लिए गए हैं, लेकिन आगे होके उन्होंने ये काम किया। 178 राजस्थानी लोग इंडिया पहुँचे हैं और उन्होंने बोला है कि भाई आगे भी हम इसी तरह से हेल्प करते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। इनका एक सवाल है, देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन कुछ सवाल है जहन में जो बार बार सामने आते हैं, क्या सिर्फ 175 बंदे ही डायरेक्ट पहुँचेंगे? केरला में तकरीबन 5,000 बंदे पहुंच चुके हैं। जी हाँ साथियों, और हैदराबाद की भी कम से कम 4 से 5 फ्लाइटें जा चुकी हैं। तो हम लोगों की जागरूकता की कमी है, हमारे जमीनी नेता हैं, जो सांसद हैं, जो हमारी राजस्थान सरकार है, वो पूरी तरह से फेल है, और ये सच्चाई है साथियों। कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार का क्या रोल है इसमें? अगर वो सरकार आप लोगों की, मजदूरों की सोचती तो फिर आप इंडिया नहीं पहुँच जाते, क्या जरूरत है? सोचिए कि सऊदी अरबिया से पहली फ्लाइट आ रही है, वो भी प्राइवेट फ्लाइट है, खुद आप लेके आ रहे हो यार। राजस्थान सरकार की गठिया राजनीति इससे ज्यादा क्या होगी, कहाँ सोचती है गरीब लोगों की? बस साथियों, ये जानकारी देनी थी भाई, आपके पास में कोई चार्टर प्लेन वाला कोई ऑप्शन चल रहा हो तो आप 150 के करीब बंदे हो जाते हो तो ये ऑप्शन बचता है आपके पास, उसमें भी भाई बहुत जोर आता है।
तीन जगह से आपको पहले इंडिया सऊदी एम्बेसी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर केंद्र मंत्रालय फलाना ढिमका राजस्थान सरकार, फिर फ्लाइट वाला, बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है भाई, बहुत टाइम लग जाता है, इतना आसान नहीं है एक फ्लाइट को लेके इंडिया पहुंचना। लेकिन चलो अच्छी बात है, मेहनत करी, मेहनत का नतीजा सफल हुए, 178 के करीब इंडियन पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का जिन्होंने हेल्प करके इन गरीब लोगों को इंडिया पहुँचाया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।